हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल सा न्यूड मेकअप लुक, परफेक्ट फॉर वैलेंटाइंस डे। पहले आपको अपने क्लीन फेस पर एक मॉइस्चराइज़र या क्रीम इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर निविया मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और अपने फेस को अच्छे से उसे मसाज देना है। फिर अप्लाई करना है कंसीलर और मैंने यहाँ पर मेबेलिन फिट मी कंसीलर, मेरा शेड है सैंड 20 सैंड। इसे अपने फिंगर्स टिप से ही ब्लेंड कीजिए। ये लुक उतना ज़्यादा हीवी नहीं है, बहुत ही लाइट है, बिगिनर फ्रेंडली है। दैट्स वाई मैंने फाउंडेशन नहीं इस्तेमाल किया है, सिर्फ कंसीलर से आपको अपने अंडर आइज और पिगमेंटेड एरियाज़ को कंसील करना है। और फिर मैंने फिट मी लूज पाउडर लिया है और उससे जस्ट अपने कंसीलर को सेट कर लीजिए। फिर आप लोग देख सकते हैं मेरे आईब्रोज अभी ग्रूम नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इस तरीके के आईब्रोज पर भी एक खूबसूरत सा लुक पा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आईब्रोज को बहुत ही नेचुरल तरीके से ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पर ब्लैक आई शेडो लिया है क्योंकि मेरे आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लैक है। और फिर आपको हल्के तरीके से अपने आईब्रोज के शेप को फॉलो करते हुए ही आईब्रोज को फिल करना है। ज़्यादा आप ओवरडू मत कीजिए, फिर जो लुक आएगा वो अच्छा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आईब्रोज ग्रूम्ड नहीं है। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने पहले सेंटर ऑफ आईब्रोज पर कलर को अप्लाई करना है, मतलब पाउडर को अप्लाई करना है। और फिर अपने फ्रंट पोर्शन पर बहुत ही हल्की तरीके से आपको इस ब्रश को घुमाना है। अगर आप पेंसिल, डार्क कोई पेंसिल, आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा बिगिनर के लिए। फिर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन न्यूट्रल्स टू पैलेट से ये कलर्स चूज़ किए हैं और ये जो कलर है ना, दिस इज़ लाइट पीची पिंक कलर जो कि वैलेंटाइंस डे के लिए परफेक्ट है। आप किसी भी ब्रश को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एंगल्ड आई शेडो ब्रश से उसे अपने होल आईलिड पर अप्लाई किया है। धीरे धीरे आप कलर को बिल्ड कीजिए, एक बार में ज़्यादा कलर ना इस्तेमाल कीजिए। और अपने लोअर लैश लाइन पर भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उससे एक डेप्थ आएगा आईज़ पर। और हाँ, आप चाहते हैं तो आप इन कलर्स को अपने फिंगर की मदद से, अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास आईब्रो ब्रश नहीं है, मतलब आई शेडो ब्रशेस नहीं है, तो आप अपने फिंगर की मदद से भी इन कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये कलर काफ़ी प्रिटी है और ये आई शेडो पैलेट भी अच्छी है। फिर मैंने यहाँ पर एक वाइटिश कलर लिया है जिससे मैंने एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपने जो आईब्रोज ग्रूम्ड नहीं है उस पोर्शन पर अप्लाई किया है। इस तरीके से करने से ना वहाँ पर लाइट पड़ती है और लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से वो एरिया काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। तो अगर आपका आईब्रोज ग्रूम्ड नहीं है तो आप इस हैक को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लैक्मे इंस्टा लाइनर इस्तेमाल किया है और बहुत ही पतला एक लाइनर ड्रॉ किया है और एक छोटा सा विंग ऐड किया है। बट आप चाहते हैं तो लाइनर को स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो काजल भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइनर मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करती है, दैट्स वाई मैंने एक बहुत ही पतला सा लाइनर अप्लाई किया है ताकि एक बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल लुक मिले येट लैश लाइन डिफाइंड हो। उसके बाद मैंने मेबेलिन कोलोसल मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लैशेस को एनहांस्ड दिखाने के लिए। फिर ब्लश इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर एक लिपस्टिक को, जो एक ग्लॉसी लिपस्टिक है, उसे एज अ ब्लश अप्लाई किया है। इससे एडवांटेज ये है कि आपके जो चीक्स है ना वो नेचुरली ग्लो करता है, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पर नेचुरली ग्लो कर रहे हैं। मैंने कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं इस्तेमाल किया है। अब लिप्स पर आप एक ऑरेंज जैसा शेड मैंने अप्लाई किया है, बहुत ही लाइटली मैंने अप्लाई किया है ताकि काफ़ी नेचुरल लुक मिले। एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। बहुत ही ज़्यादा ड्यूवी एंड ग्लॉसी लुक है ये। सो या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाई।